रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 2 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से किया। पटना विश्वविद्यालय से बीए पास करने के बाद मोकामा घाट हाई स्कूल के हेडमास्टर हो गए। फिर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। सर 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। कुछ समय के लिए ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति भी रहे। सन 1973 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इनकी उर्वशी नामक काव्य पर 1,00,000 रुपये का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भागलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। दिनकर जी गद्य और पद्य दोनों में ही लेखन कार्य किया करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संस्कृत के 4 अध्याय, हमारे सांस्कृतिक एकता, रेणुका, हुक्कार, रसवंती, रसमृति, उर्वशी, कुरुक्षेत्र आदि है। रामधारी सिंह दिनकर जी का 66 साल की उम्र में 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को असामयिक मृत्यु हो गई।